भाई अभी अपन कैसे देवला पार करके एक जगह है नागपुर से सिवनी रोड पे, तो वहाँ पे आए थे कुछ काम से और बहुत बेहतरीन जगह है, तो आपको दिखाना तो बनता है भाई। तो चलो आपको दिखाता हूँ, बहुत बेहतरीन प्लेस है, आप भी देख के बिल्कुल खुश हो जाओगे। और बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है दोस्तों ये। ये देखिए यहाँ पे ये खजूर के पेड़ है, देख सकते हो आप, तो कितना शांत माहौल है यहाँ पे। बंगलो टाइप भी आपको दिखाता हूँ, एक काफ़ी बेहतरीन प्लेस बना है, तो देखिए वो सामने दिख रहा है आपको। ये किसी रिलेटिव के यहाँ हम आए हैं, तो देखा तो कुछ हटके प्लेस दिख रहा है, और उसके बाद तो ये देखिए ये जो खजूर के पेड़ है, नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये खजूर है, दिखाता हूँ मैं नज़दीक से आपको। ये देखिए दोस्तों, और कितना लाइन से लगे हैं, देखिए मैं तोड़ के देखता हूँ। एक देखिए अभी पकने का है शायद। बहुत शांति है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, कितना सही प्रॉपर्टी है ये देखिए। चलिए थोड़ा अंदर चल के देखते हैं हम भी। बिल्कुल फार्म हाउस है ये, अभी तैयार किया है। बहुत सुंदर नज़ारा है, लेकिन एक स्विमिंग पूल की कमी है यहाँ पे, है ना सोनू? और पूरा खजूर का पेड़ है लाइन से, उसके बाद देखिए पूरा जंगल। चलिए दोस्तों अंदर की ओर चलते हैं हम। मैं तो फर्स्ट टाइम देखा हूँ खजूर के आए ऐसे पेड़। ये देखो ये देखिए दोस्तों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये कोई दोस्तों भाजी भी दिख रहा है, कोई भाजी लगा हुआ है शायद लाइन से। मेरे लिए तो यही चीज़ थोड़ी सी, मतलब खजूर कभी देखने को नहीं मिला ना, खजूर हम ऐसे ही खाए हैं, पेड़ों पे कभी देखा नहीं है दोस्तों हमने, और इतने सारे पेड़ एक साथ, भाई क्या बात है। देखिए पीछे पूरा जंगल है दोस्तों, देख सकते हो पूरा जंगल है दोस्तों। ये देखिए इस वक्त हम हैं देवला पार से अंदर 2 किलोमीटर, जो नागपुर जबलपुर हाईवे है। यहाँ पे पास ही में लाल दीवान शाह की एक दरगाह है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, और हाईवे पे 2 किलोमीटर जो हाईवे है वहाँ पे मोरफाटा की दरगाह है दोस्तों, काफ़ी फेमस है वो।
यहाँ पे अक्सर करके जंगली जानवर आते हैं बोलते हैं। देखिए क्या जबरदस्त व्यू दिखता है, ये देखिए दोस्तों है, लेकिन प्लेस है जबरदस्त, शांति प्रिय प्लेस प्लेस है, ठंडा है, टेम्परेचर अपने सिटी के मुकाबले कम ही है। वो देखिए कैसे लाइन से लगे हैं पेड़, देख सकते हो आप, बिल्कुल लाइन से लगे हुए हैं, एक तरह से खजूर के पेड़ का फार्म बोल सकते हैं इसको। एक्चुअल दोस्तों ये प्रॉपर्टी मतलब ऐसे रेंट पे अवेलेबल नहीं है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। अब कैसा हमको बोले कि चलो देख लीजिए, रिलेटिव के कुछ मतलब रिलेटिव का ही फार्म हाउस है ये, तो मैं भी सोचा कि चलो आपको इसका सैर करा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगा दिखाने लायक। और जंगलों से सटा हुआ एरिया है, अक्सर करके जानवर आते हैं यहाँ पे। शाम का टाइम हो गया है इसलिए आपको अंधेरा जैसा लग रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पे आपको खाट भी दिख जाएंगी, व्यवस्था फुल है यहाँ पे। ये चिड़िया के लिए दोस्तों, चिड़िया का दाना खिलाने का जुगाड़, और यहाँ पे भी रूम्स है, और ये यहाँ का छोटा सा विला, बढ़िया प्रॉपर्टी है दोस्तों, इसलिए मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाया हूँ। अभी कैसा यहाँ पे लाइट्स वाइट्स नहीं दिख रहा, ये यहाँ का इंटीरियर बाहर का देखिए, ये देखिए कितना सुपर है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये गट्टू वगैरह लगा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये ड्रेनेज सिस्टम भी देखिए दोस्तों, पानी का सीधा खेत की ओर जाएगा सब कुछ। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, अचानक मैं बनाया हूँ, मैं सोचा नहीं था कि यहाँ पे कोई ऐसा स्पॉट दिखेगा और मैं वीडियो बनाऊँगा। जब अंदर आया तो लगा कि एक्सप्लोर करना चाहिए और आपको दिखाना चाहिए। तो ये खजूर के पेड़ का फार्म है दोस्तों, और ये अपना फार्म हाउस। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।